हेलो गाइस, तो हम वापस गए हैं पोकेमोन एडवेंचर रेड चैप्टर में। तो यहाँ तक पहुँच गए थे और हील करवा लेते हैं पोकेमोन। और गाइस यार, सॉरी यार, एक हफ्ते से मैं थोड़ा कम रहा एक्टिव, मतलब यूट्यूब पे, मतलब वीडियो नहीं डाल रहा था मैं। कुछ दिनों से मैं अपने रिलेटिव्स के घर ही आया था, इस कारण नहीं डाल पाया। तो अब छोड़ो अब उस बात को, आ गए अब डेली वीडियोज़ आएंगी और देखते हैं कुछ अलग ला पाऊँगा या नहीं ला पाऊँगा। तुम्हारे लिए जो भी फैन क्लब में है वो बस एक पागल लोग हैं। अच्छा, ऐसा क्या करते हैं ये लोग? मैं एक स्कूल कैप्टन की तरफ से मुझे सब कुछ करना होगा जो इस लास्ट ईयर में इसको अच्छा करे, अच्छा सैफरन सिटी फैन मेट क्लब को अच्छा करे। मैं एक बेसबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। हाँ अच्छा, इतना छोटा बच्चा है अभी, इसे इतने ख्वाब हुए हैं बड़े बड़े। चलो इस छोरी से बात करते हैं। मैंने सिलेक्टिव किया। मेरी मम और डैड, उनमें से कौन? ओहो भाई, इसका कोई शायद डिवोर्स हुआ हुआ है माँ बाप का, तो सिलेक्ट कर रही है कि माँ को लूँ या बाप को लूँ। ये क्या था यार, कितनी गंदी चीज़ बोली इसने कि मतलब जब समर वेकेशन होते हैं तो जाता है और जाके वहाँ से मतलब अपने ग्रैंड फादर के उसमें और वहाँ शिकार करता है टैपिक्स का। छी यार, मारते होंगे उन्हें, इसकी बात मैंने पढ़ी नहीं। मुझे एक डॉक्टर चाहिए। एक दिन मुझे डॉक्टर चाहिए। एक दिन मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। इस बिल्डिंग में क्या है? तुम्हारे पास तो डोजो बैंड है, तो तुम डोजो में जा सकते हो। अच्छा, कुछ डोजो है यहाँ, पता नहीं क्या चीज़ें, देखते हैं। ये बैटल कर रहे हैं यार, यहाँ हरा दिया अब इसे तो। अब अरे ये भी कर रहा है यार, इसे भी हरा देता हूँ। तो हरा दिया इसे तो, ब्लैक बेल्ट वाले आदमी को। पता ही नहीं क्या ब्लैक बेल्ट वाले आदमी हैं, क्या है, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम उसको कैसे छू सकते हो? तो ये जो पीछे पोकेबॉल है उसके अंदर कुछ है जिसको लेने से मना कर रहा है, बोल रहा है कि वर्दी वन नहीं जा सकते हैं उसको लेने। अच्छा, इससे बैटल करते हैं। चलो, हिटमॉन चैन आया है, हिटमॉन चैन के लिए हमारे यही काफ़ी है। स्नैक्स बोलता हूँ इसे मैं प्यार से, क्योंकि स्नोरलैक्स एस मतलब स्नैक्स अच्छा लगता है मुझे तो बोलना इसे, इसलिए वन हिट के हो गया वो। बकवास पोकेमॉन है तेज के पास, मतलब क्या ही है ये हमारे सामने, मतलब इजी पीजी है यार। ये तो तीसरा वाला आ गया बंदर, ये भी वन हिट के होगा, देखना वन हिट के होगा। देखो इतनी इजी बैटल है यार, इजी पीजी यार, इतनी इजी बैटल। चलो हो गया। हो आ ये आ आ ओ ई आ उ आ ओ ड्यूड, रुक जाओ। तुम और क्या करना चाहते हो हमारे साथ? मैं हार गया, अब तुम हमें मार तो नहीं दोगे ना? मैं तो बस विजिटिंग करने आया था। और रूट फोर से किसी ने बताया था कि यहाँ डोजो है, उससे मिलना। तुम बोल रहे हो शायद से बंचर और किकर के? वो मेरे फ्रेंड हैं, और लेकिन ब्रदर भी हैं दोनों मेरे। वो दोनों एक साथ लड़ाई करते रहते हैं पागलों की तरह, कि पंच मतलब हिटमॉनली अच्छा है, हिटमॉन चैन वो पागल है एक नंबर के। अभी तक उनने छोड़ा ही नहीं बैटल करना। वो अभी भी छोटे हैं। हाँ, जो पहले जिम लीडर थी सबरीना, वो ऑफिशियल जिम है उसका, मतलब वो तो ये बोल रहा है कि ये पहले जिम लीडर था वहाँ का, लेकिन फिर वो टीम रॉकेट वाली एसोसिएशन ने इसे हटवा के उसे लगवा दिया, और इसे ये पोकेमॉन ले सकते हैं इसके अंदर से। लेकिन हमारी टीम फुल हो रही है, मतलब कोई पोकेमॉन मिलेगा, देखते हैं कौन सा मिलेगा। आर्शियस मिल जाए, मतलब भाई ज़्यादा लड्डू नहीं फोड़ो, आर्शियस मिल जाए तो भाई क्या क्या हो जाए। क्या कर सकते हैं? विड्रॉ डिवो मूव। अब मूव में पार्टी पोकेमॉन में चले जाते हैं, और फिर एक पोकेमॉन को हटाना पड़ेगा। तो कौन सा हटाएं? एरोडैक्टल को हटाएं या कौन सा? नहीं, इसको हटा देते हैं, अब वापस ले लूँगा मैं, रखने वाला तो हूँ नहीं, अगर कोई अच्छा होगा जब भी रखूँगा। यार ये कितनी में इवॉल्व हो गया यार, 21 लेवल का कर दिया यार इस ड्रैटिनी को, और इवॉल्व ही नहीं हो रही यार, पता नहीं क्या है बेकार। चलो इसके अंदर चले, अब पीछे वाला ले लिए। ओ टायरॉग मिला है, अच्छा टायरॉग पता होता है हिटमॉनली हिटमॉन चैन का फर्स्ट स्टेज होता है, इसके बाद वो हिटमॉन चैन हिटमॉनली बनता है।
तो टायरोग मतलब फर्स्ट है, अब चाहे हम किसी में भी इवॉल्व कर सकते हैं, हिटमॉनली हिटमॉन्चर इनमें से किसी में इवॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, रख देते हैं वापस अंदर। डिपॉजिट पोकेमॉन, ये हमारे टायरोग 40 लेवल है, अच्छी लेवल है यार, अच्छी लेवल है। विड्रॉ कर लेते हैं। और कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा ड्रॉटीनी। चलो हो गया काम, अब चलते हैं यहाँ से। अब हमें सर्वियन सिटी जाना था पहले, लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं सिटी कुछ देखने लायक। इस वाले में चलते हैं, ये क्या कहेगी, इससे बात करते हैं। क्या क्या जोसा जो जोशुआ जो सिल्क कंपनी में था, तुमने उसे देखा क्या? अच्छा ये शायद कोई बोनस चैप्टर है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे जोशिया वोशिया को ढूंढने। सैफरन सिटी बहुत पॉपुलरिटी होती थी पहले कभी टूरिस्ट से, लेकिन टीम रॉकेट आई और उसने सब कुछ बर्बाद कर डाला। और यार भाई, टीम रॉकेट ने इनका धंधा चौपट कर दिया। इस पोकेबॉल को ले लेते हैं। कैल्शियम कैल्शियम इतना काम का नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर अभी आउट ऑफ टाइम है, मतलब अभी रेनोवेशन हो रहा होगा अंदर, अभी ये चल नहीं रहा है क्योंकि वो टीम रॉकेट ने ख़राब किया ना इस शहर से। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड वेकेशन के लिए डेक्लोर आइलैंड ही क्यों जाते हैं। अच्छा डेक्लोर आइलैंड बहुत स्केरी है, ये ऐसा क्यों कह रहा है भाई? कुछ रास तो नहीं है भाई, ये भी क्या पता वो बोनस चैप्टर हो। क्या क्या तुम ये क्या यहाँ क्या कर रहे हो? क्या एक टीनेजर बॉय एक अकेले नहीं रह सकता? अरे भाई ये टीनेजर ऐसा क्या देख रहा है भाई, चुपके चुपके फिल्म देख रहा है क्या? वैसी ऐसी वैसी और माँ बाप से चुपके है? मैं वर्क करता था सिम्फ कंपनी में, लेकिन साइंटिस्ट जो प्रोजेक्ट है सोल, जो भी हो सोल नाम का है, जो जो पॉरीगोन को बनाता है, वो एक मिस्टेक है, हमारी रियल प्रोजेक्ट दूसरा है। ओ माय गॉड, मतलब सोचो पॉरीगोन बन गया तो रियल प्रोजेक्ट होगा तो कितना तगड़ा होगा। मैं तुम्हारे पोकेमॉन डेकोरेट कर दूंगी और इन्हें और ब्यूटीफुल बनाऊंगी, उन्हें डेकोरेट। और वही यार, मैंने तेजी तेजी में 5,000 रुपये दे दिए इसे। अरे भाई कुछ हुआ क्या यार इसमें? शायद स्टैट्स भरे, हाँ स्टैट्स भरे थे, 137 हो गए ना। स्टैट्स भर सकते हैं लेकिन पैसे कुछ ज़्यादा ही नहीं है। वो प्लान कर रहे हैं कि वो मैग्नेट ट्रेल बनाए यहाँ। ओहो, इन रीजन से यहाँ कनेक्ट करेंगे मैग्नेट ट्रेल, वही बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। हो इन रीजन अलग रीजन है उसकी, कितनी लंबा। अब टीम रॉकेट चली गई है तो अब मुझे अपना प्लान भाई ये भी कोई तो कोई वो तो नहीं टीम का, टीम रॉकेट का मेंबर, वही कैसे कह रहे हैं प्लान एग्जीक्यूट। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कुछ टीम रॉकेट गई तो इनके अड़ंगे मार रही होगी टीम रॉकेट, उसको रोकने के रुक गए हैं तो फिर अब कर मतलब कर सकता है। इससे बात करते हैं। तो आप टीम रॉकेट चली गई फाइनली, मज़ा आ गया? हाँ भाई मज़ा तो आ ही गया। हेलो, मैं यहाँ आया हूँ जोटो रीजन से और मैं सिल्क कंपनी से कुछ बिजनेस था, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ के लोग जो थे वो गलत काम करते थे। ओहो ये कुछ क्या पता ही उनका डीलर फीलर हो, कोई चीज़ प्रोवाइड करता हो, भाई गलत आदमी है लग रहा है मुझे। कैली सिल्क कंपनी अभी एक्साइटेड आइटम को बनाने में व्यस्त है, लेकिन अभी सब कुछ सही हो रहा है धीरे धीरे, और पोकेमॉन के लिए अच्छे अच्छे आइटम आएंगे 100%। अच्छा इससे बात करते हैं। मैं नहीं जानती कि मैं क्या जानती हूँ, मैं नहीं जानती मैं क्या जानती हूँ, तुम क्या जानती हो, मैं क्या जानती हूँ, तुम पागल हो, ये क्या बोल रही है ये यार, ये मेंटल है क्या? तो इधर वाले पैनल से चलते हैं, रास्ता तो वैसे याद होगी। ये वाला पता नहीं कहाँ से खुलेगा, हम पोकेबॉल पता नहीं, ये शायद चीट कोड यूज करने वालों का ही है ये पोकेबॉल। इस तरफ वाला पोर्टल था। हाँ मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं इस जॉब से कैसे छूटूँ, ये बकवास जॉब से। अच्छा छूटना है तो चुपचाप निकल लें यहाँ से, उसके अंदर इतना क्या करना। इधर इधर तो सबरीना से फाइट हुई थी। ओए ओ, इस जगह हम आ सकते थे क्या? नहीं उस समय तो नहीं था ऐसा कोई डोर, बन गया यहाँ डोर एकदम से, जादू है भाई जादू। चलो चलो यहाँ से, बकवासबाजी नहीं करते हैं। इस तरफ यार कुछ नहीं है, वो जोशुआ जोशुआ कौन था यार, वो मिला ही नहीं मुझे तो। अब मैं यार आगे नहीं जाना चाहता, मैं कहीं खौफ हो गया तो बेकार। एस्केप रोप भी नहीं है मेरे पास कि एस्केप रोप से चले जाऊं सीधे, लेकिन अभी मैं निकलना ही चाहता हूं बाहर।
जोशुआ फोसुआ का जब गेम एंड होगा उस समय देख लेंगे क्या करना है, छोटे मोटे बोनस चैप्टर कर लेंगे। ऐसे यार मैं इसकी मेन स्टोरी फिर स्टोरी कवर करूँगा, उसके बाद बोनस चैप्टर होंगे बाद में कर लेंगे कभी जाके। अभी मेरा मन भी नहीं है यार इस गेम को इतना खेलना, क्योंकि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेम है यार, DLC भी है इसकी, इतनी ज़्यादा बड़ा गेम है, मेरे से दिमाग ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है यार। 51 लेवल तो सबके अच्छे हैं हमारे इसमें। ये क्या, और यार मैंने वापस गलती कर दी, मैंने वापस मैं 10,000 रुपये उस चोरी को दे दिए, वो भी डॉलर, सोचो कितने होते हैं, आराम से कुछ 20,000 डॉलर, कुछ आराम से मतलब 30 लाख 20 लाख ऐसे ही कुछ होता है, लाख से तो ज़्यादा ही, 10 लाख से तो ज़्यादा ही है 20,000, वही यार इतने पैसे उड़वा दिए मैंने, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई कितने 73 से कर दो, 10,000 को 73 से किया तो कितना होगा, 73 और 10,000 73,000 इतने कम होंगे यार, मुझे तो लगा था ज़्यादा होंगे, कम है तो बहुत। अरे मैं तो अड़ंगे ऐसे ही बोल रहा था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ इतना ज़्यादा होता है, मैं तो पागल हूँ भाई पागल। चलो भाई अब कहाँ चलना है रे, अब सर्वियन सिटी चलते हैं, अब कोई दिख तो नहीं ना, घर सारे घर देख ही लिए सारे, यहाँ का एक बोनस चैप्टर देख लेंगे अगर मन किया तो कर लेंगे, ये जो जोशुआ वाला बोनस चैप्टर है। अभी के लिए क्या करें भाई, सर्वियन सिटी में चलें क्या, चलो चलते हैं भाई, पता नहीं वो क्या ब्लास्ट हुआ है वहाँ, देखते हैं उसका रहस्य ब्लास्ट। अच्छा रामू अंकल यहाँ खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अरे बात करो रामू, कहाँ चलना है, सरुलियन सिटी, सरुलियन सिटी कहाँ है, सिनेबार इंडिगो सरुलियन सेलेडोन, हाँ ये रहा सरुलियन, चलो चलते हैं। और वही यहाँ तो पूरा तगड़ा वाला तूफान आ रहा है ना, जो है हर समय सही रहती है, कितना भी तूफान आ जाए कितना भी बड़ा मतलब वो सब कुछ तबाह हो जाए साइड में, लेकिन नर्स जॉय का पोकेमॉन सेंटर कभी ना हो। ये क्या कट सीन है कोई, बिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं बस इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। वो मॉन्स्टर जो सर्वेलेंस सिटी में है, हाँ वो नॉर्दर्न वेस्टर्न सेक्टर के पास में है सर्वेलेंस सिटी के, वो वहीं मिलेगा तुम्हें, और वो एक्सप्लोजन जो वहाँ हैपन हुआ है वो उसने ही किया है, वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो स्काई में उड़ आया था, ब्लास्ट हुआ यहाँ एकदम से उड़ता हुआ आया था एकदम मीटियोइट की तरह। और वही 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 ये तो बहुत तगड़ा पावरफुल पोकेमॉन लग रहा है, लगता है कि कुछ तगड़ा है ये तो। हाँ मैंने सुना था डेजी से कि तुमने डिफीट कर दिया टीम रॉकेट को अपने पोकेमॉन से, तो तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है उस राक्षस को हराने के लिए। और वही 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 तू इतनी तारीफ नहीं कर भाई, और वैसे बता दूँ मैं ये डेजी का बॉयफ्रेंड है, डेजी का मतलब पीछे पड़ा हुआ। नहीं मैंने अपने साइड अग यहीं तो रिलीज किया था इससे एक दिन पहले। नहीं अरे भाई मर गया, मतलब इसका और क्या हो सकता है मीनिंग इसकी। किस वाली केव में चले हैं तो बहुत सारी, इससे बात कर लेते हैं। ये रियल है, ये सब कुछ ख़त्म हो गया, ये कैसे हो सकता है भाई सब ख़त्म हो गया, बंजर ज़मीन है, वैसे तो पहले कभी आए भी नहीं है इस एरिया में, मतलब वो बंद रहता था ये एरिया, वो मतलब आने नहीं देते थे, पता ही नहीं कोई स्लो ब्रो ऐसा कोई क्या है, हाँ इनमें से कोई, इससे बात करते हैं। मैं यहाँ आता था अपनी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अब ये प्लेस अब जैसी थी वैसी नहीं रही, मतलब पहले हरियाली होती होगी अब तो रेगिस्तान बन गया। ये क्या है, रॉक टूम, अच्छी चीज़ है, चलो अच्छी चीज़ है, इसके अंदर चलते हैं सबसे पहले। रिपेल यूज़ करनी पड़ेगी भाई, यहाँ मुझे पता था बोलते ही आया एक पोकेमॉन, 37 लेवल का है, अच्छी लेवल जा रहे हैं। पोकेमॉन बैग में जाके किस तरफ आएंगे, हाँ यहाँ रिपेल आएंगे, रिपेल ये रहा सुपर रिपेल यूज़ कर लिया, चलो हो गया। इस तरफ चल के देखते हैं, इस तरफ डेड एंड है, उस तरफ क्या है, उस तरफ सीढ़ियाँ और उस तरफ कुछ बोल्डर्स हैं, बोल्डर्स को हटा देते हैं यहाँ से, स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, चलो इस तरफ
अब इसके इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब ऊपर ही चलना है तो ऊपर ही चलते हैं सीधे। अब दिख नहीं रहा कुछ, इस तरफ भी लेडर्स हैं, इस तरफ भी थोड़े बहुत बोल्डर्स हैं। चलो स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। वो समझ नहीं आता, इतना छोटा सा पिकाचू स्ट्रेंथ यूज़ कर लेता है, अरे इतना दम है उसमें। यहाँ भी स्ट्रेंथ का है काम, और यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स से हम कहाँ आ गए, पोके बॉल है वो ले लेते हैं पहले। और उस तरफ भी रास्ता खुला हुआ है स्टेयर्स का, वही कितनी स्टेयर्स हैं यहाँ। वैसे केब में आके कौन लगाते हैं स्टेयर्स, वो वहाँ तो कुछ वो भी है, क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ, तो उसमें भी चलेंगे। स्ट्रेंथ यूज़ कर लेते हैं, पहले इस तरफ देख लेते हैं इस वाले में क्या है। इस तरफ एक पोके बॉल दिख रही है मुझे, हाँ चलो पोके बॉल ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। चलो छोड़ देता अगर मैं देखता नहीं तो। ठीक है, इस तरफ से अब फिर वापस पीछे चल के देख लेते हैं कुछ बचा है क्या। स्ट्रेंथ, हाँ चलो बोर्डलर को करो रे। ऊपर चलते हैं आप, इस तरफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओहो वहाँ एक पोके बॉल है, पोके बॉल में क्या है कुछ ही नहीं दिख रहा। इस तरफ भी रास्ता है, उस तरफ एक और सीढ़ियाँ आ गई, उस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं, मतलब सीढ़ियाँ तो सीढ़ियाँ ही हैं, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। इस तरफ एक पोके बॉल है, अरे जाना। इस तरफ कौन सी पोके बॉल है, चलो रिपेल तो बड़ी लंबी चल रही है, इतनी देर से कर रहा हूँ मैं, और अभी ख़त्म हुई है जाके। अब इस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं, कितनी सीढ़ी है, अरे चलो वो सही जगह पहुँचा दिया, मुझे इस सीढ़ियों पे देखना है, शायद यही है कुछ मेन काम, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं। ओ ये कहीं और ले जा रहा है आगे चल के। यहाँ से ये क्या होल है, इसके अंदर जाने से पहले साइड फाइड में चेक कर रहा हूँ मैं, कुछ है क्या देखने लायक, कुछ कुछ तो है। ये मिल गया ना, क्या है, रेयर कैंडी, वही मस्त जग चीज़ मिली है, चलो अच्छा है। रेयर कैंडी से लेवल अप कर लेते हैं हमारे ड्रटीनी को। चलो हो गई 22 लेवल की। मैं सारी रेयर कैंडी इसी पे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर रेयर कैंडी से ही हुई है लेवल अप। ओ ये कहाँ कूद गए हम, यहाँ कुछ भी नहीं है। इस तरफ क्या लिखा हुआ है, ए से तुम लेज से कूद सकते हो, ये मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा मतलब लेज कहाँ है, अरे भाई ये तो बंदरों की तरह कूदा है, अरे ये तो वही जगह है, तो लौट फिर के वहीं आ गए। ये क्या है, ये क्या बात हुई, लौट फिर के वहीं आ गए हम, ये क्या है, अरे यार इतना घूमे और कहाँ आए, यहीं आ गए वापस टपक गए। इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ वो वाली जगह आ गई। ओ ये वाली सीढ़ी यहाँ ले जा रही थी हमें, चलो बिना देखे पता चल गया। अरे बार बार स्ट्रेंथ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, चलो 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 इस तरफ चलते हैं। इस तरफ कुछ है, इस तरफ तो पोकेबॉल मिली थी, अच्छा। अरे भाई टाइम वेस्ट कर दिया मैंने इसमें ज़्यादा, तो और कुछ नहीं, ड्रामा टाइम वेस्ट हुआ है। तो क्या है, हमारे पास एस्केप रोप है, यहाँ से सीधे चलते हैं, नहीं तो भटक जाते। अब किधर जाना है, इस वाली गेम में चले क्या, चलते हैं, चलो इस वाली में नहीं, चलो इस वाली में चलते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहली वाली है, यहाँ होना चाहिए शायद मेन क्वेस्ट। ये कैसी गेम है, खाली खाली हैं, ये क्या है, पूरी गेम ही खाली पड़ी है, एक पोकेबॉल तो देते। तो मैं अगर बिलीव करते हो तो रिफ्लेक्शन में जो क्रिस्टल में है वो देख सकते हो, क्या बोल रहा है ये, रिफ्लेक्शन देख सकते हो क्रिस्टल में, यहाँ चलते। अरे यही है मेन क्वेस्ट, ये तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग है कि क्या हुआ, क्या हुआ। चलो अननोन डंजियन, यहाँ यहाँ उस तरफ स्ट्रेंथ यूज़ करने का है, इस तरफ सर्फ यूज़ करने का है, इस तरफ पोकेबॉल लेने का है, फिर उस तरफ सर्फ यूज़ करने का है, फिर सीढ़ियों पे जाने का है, फिर सीढ़ियों से बोल्डर से हटाना है स्ट्रेंथ यूज़ करके, और वो बहुत इजी है, एक छोटी सी पजल।
वही बहुत इजी होगा सर, पता हो तो यहाँ से नहीं, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से करना है। हाँ तो इस तरफ से करना था, अभी आगे हुआ, अब इस तरफ से करना है। फिर इस तरफ तो बंदे रॉक्स में है नहीं हमारे पास, वहाँ हमारी पोके बॉल पड़ी हुई है, हमारे पास रॉक स्मैश नहीं है ना यार, अभी तक नहीं मिला हमें रॉक स्मैश। लिंक स्टोन मिला है इससे हमारा। ओ माय गॉड, ये क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, हीटरन था वो। अभी एक बारी के लिए मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे पहले वो म्यूटियो को ढूंढना है, तो एक बार छोड़ो उसको। लेकिन यार रियल में मतलब लेजेंडरी लोकेशन में पहली लोकेशन हीटरन की यहाँ होती है। ओके हैं हम, और मुझे ऐसी में एक वो भी मिल गई फुल रिस्टोर जी। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, हम लेजेंडरी म्यूटियो के पास आ चुके हैं। एक बार सेव कर लेते हैं, कहीं हार फार गए तो नाक कट जाएगी। ये तुम ही हो ना जो पोकेमॉन थे सिनेबर आइलैंड में। भाई म्यूटियो 70 लेवल, पहले कितने का था, पहले कम का था भाई, अब वो मुश्किल हो गई इसको हराना बहुत। एमनेशिया कर रहा है, हम फ्लेम थ्रोवर करते हैं सबसे पहले देख। अरे ये तो बहुत कम इफेक्ट दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, पोकेबॉल नहीं कैच कर सकते, मतलब चांस लेना है, इसे हराना ही है, तो हरा ही देते हैं। कैच वैच क्या करना, आइस बीम इफेक्टिव होगा क्या इस पर। अरे भाई ये तो बहुत ही गंदा इफेक्ट दे रहा है, ये तो कुछ काम का ही नहीं। आइस बीम, एक और आइस बीम करते हैं ये तो भी। अरे चलो ये चीज़ अच्छी हो गई, फ्रीज़ हो गया ना अब अच्छा रहेगा, फ्रीज़ हो गया तो अब वो हमें हमारे पे हमला नहीं कर पाएगा। वो क्रिटिकल हिट इस बार तो पड़ी थी तगड़ी से, आइस बीम से। आइस बॉल कर सकते हैं क्या, या फिर चेंज करें पोकेमॉन, नहीं आइस बॉल क्रंच कितना इफेक्ट देता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये साइकिक टाइप पर इस पर ज़्यादा देना चाहिए। हाँ भाई सुपर इफेक्टिव, क्रंच ही करो भाई, क्रंच जीत सकते हैं ये। ओ भाई गई भाई, एक हिट और बस हार गए। तो लाइट स्क्रीन, चलो वही तो इजी था बहुत, हमारे 51 लेवल के स्नैक्स ने अकेले हरा दिया बिना एक HP गए। ओ इसने हमें यहाँ फेंक दिया, और ये पीछे पड़ गया हमारे, हर जगह टेलीपोर्ट हो रहा है। ओह एक ब्लेन ही वेल 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 देखो इस टाइम को मैं तुम्हें वापस से बचाने आ गया ब्लेन, मैंने वहाँ से मैं बच के निकला हूँ अभी अभी, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये मेरा बिजनेस है उस बीच से लड़ने का। म्यूट्यू वो तो टेलीपोर्ट हो गया, नो वो अभी भी यहीं है। म्यूट्यू अभी बहुत गंदी तरह हार चुका है, इस कारण वो अभी हील करने के लिए रुकेगा। क्या वेट ब्लेन, अब क्या होगा, तो अंदर ही गया है, किस तरफ गया है भाई। लेकिन वो हीटरन चेक करना है मुझे सबसे पहले भाई, हीटरन को देखना है मुझे, किस तरफ था वो, अच्छा हाँ उस तरफ था, पजल सॉल्व करके जाना पड़ेगा। और म्यूटियो तो कहीं दिख नहीं रहा आसपास, पहले पजल सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, इस तरफ फिर इस वाले से करना है। अब चलो जल्दी जल्दी भाई, वो हीटरन को देखना है मुझे, एक बार आगे चल के म्यूटियो को भी दिखाते हैं उसके बाद लाएंगे, क्योंकि म्यूटियो भी देखना है गया कहाँ। फिर वो म्यूटियो टेलीपोर्ट होके, वो मतलब अभी हार, वो मतलब घायल था, इस कारण उसे हीलिंग के लिए थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा कहीं, ये इसलिए मतलब वो वही यहीं कहीं छुपा हुआ है टेलीपोर्ट होके। मक आया नहीं यार, नहीं कैच करना। इस तरफ वही पत्थर ऐसे ही लगते हो, कबूटॉप्स होते हैं ना पोकेमॉन, उसका फॉसल होता है वैसे लगते हैं ये पत्थर मुझे हर समय, कि ऐसे कोई वो फॉसल। अरे कांट एस्केप क्यों आ रहा है, अरे एस्केप क्यों नहीं कर पा रहे हम इससे। चलो हाँ कर ही लिया एस्केप, यहीं है क्या म्यूट्यू, नहीं यहाँ नहीं है, मतलब वो कहीं और टेलीपोर्ट हुआ है। तो चलो भाई यहाँ से चलो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कुछ ही नहीं है, सीधे इस तरफ भी कुछ ही नहीं है, नहीं है यार कुछ नहीं है। लेकिन ये याद ध्यान रखूँगा मैं हीट ट्रेन के बारे में भाई, हमें मतलब लेजेंडरी हंट पे निकले भी नहीं, फिर भी हमें मिल गए थोड़े बहुत लेजेंडरीज, जो हमें वो भी मिल चुका है ना हमारा, क्या ग्राउडोन था, हाँ ग्राउडोन या फिर रेक्वाजा मिला था ना हमें उस जगह जहाँ वो पावर प्लांट था, जो बाय चांस गए थे, लेकिन क्या बाय चांस था भाई, वो सचमुच ही मिल गया वहाँ मतलब सारे इनकाउंटर हुए थे। चलो वो तो अच्छा है, हर बार हो रहे हैं, नहीं तो
वो चांस निकल जाता हमारे हाथ से। अभी आइस बीम करते हैं, ये बहुत ड्रामा करेगा। कांट एस्केप। चलो छोड़ो इसे, अब ले लेते हैं पोकेबॉल। मैक्स रिवाइव मिली है, चलो वही हीट रन को भी चेकआउट करना है मुझे। यार कहाँ गया फिर वो म्यूट्यू? मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि म्यूट्यू गया कहाँ फिर। अरे यार ये और बार बार आ जाते हैं, गोल बैट कांट एस्केप लिखाता रहता है। एक हिट में तो चल, यार ये ग्लो बैटी, वो गोल बैटी हमारी पूरी एचपी ले गया। स्नोरलैक्स को मेरे बैग में से कुछ रिपेल फिपेल है क्या? सुपर पोशन यूज़ कर लेते हैं पहले तो एक, क्योंकि इसको मतलब यही सबसे ख़तरनाक पोकेमॉन है हमारे पूरी टीम में। मतलब सौर है लेकिन वो इतना काम नहीं आता, उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्रटीनी क्या करूँ मैं, इतने कम लेवल का है, लेवल अप करने में भी ज़रूरत है। भाई सेव कर लेते हैं, अगर ये कम लेवल का हुआ तो पकड़ लेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। ये कौन सा पोकेमॉन है और यह अंदर कैसे आया? 150 लेवल भाई, मैं एक हिट में जाएंगे मेरे सारे पोकेमॉन, पता हो तो। यार पागल हूँ क्या मैं, 150 लेवल भाई। मैं तो अभी से हार मान रहा हूँ। हम जीत तो सकते हैं नहीं, तो हार ही जाओ भाई, हो ही नहीं सकता ये, हम जीत ही नहीं सकते इस पोकेमॉन से, इतना ओवर पावर्ड है ये। जब तुम्हें पता हो, जब हम क्या बोलते हैं इसकी वो DLC करते हैं, जो भी होता है एक्सपेंशन पास वो करते हैं ना, जब हमारे पोकेमॉन होते हैं 150 लेवल के, जब तो फिर भी हम इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं। और आपको पता हो तो ये नॉर्मल गेम से सिर्फ कितनी, शायद 100 लेवल तक की होती है मिनिमम रेट, हाँ वो लेवल अप की, लेकिन इसके अंदर 150 तक की होती है और एकदम मैक्सड आउट है भाई, बहुत तगड़ा है ये। हाँ 150 नहीं होती इसके अंदर। हाँ भाई हार गए, मुझे पता था, हारना तो था ही भाई, 150 बहुत ज़्यादा होता है। हाँ अरे इसमें शायद 250 की होती है मैक्सड आउट लेवल अप करने की। हाँ भाई बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, लेवल अप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इस गेम में, ये बहुत तगड़ी चीज़ है इसके अंदर, इस वाली गेम में नहीं। अरे गया कहाँ तो फिर वो म्यूट्यू, तो कौन सी गेम में मिलेगा? मुझे लगा इस वाली गेम में होगा, ये थोड़ा वैसा टाइप लग रही थी कि इसके बीच में जो ये जगह है ऐसा लग रहा है कोई बॉस फाइट के लिए बनी है, कि कोई लेजेंडरी पोकेमॉन आएगा यहाँ, क्योंकि वो जगह ही ऐसी एकदम बीच, दो क्रिस्टल हैं उसके बीच में। इसके अंदर भी घुस रहा हूँ, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ इस वाली को। अरे ये क्या इलेक्ट्रोबस बस तुम मेरे पे इतने पागल क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पीछे कौन है? अच्छा इलेक्ट्रो 40 लेवल, चल हट, एक सेकंड में जाएगा तू आइस बीम से। भाई उस हीट ट्रेन के पास तो जाना ही नहीं है, हमारी बस की बात ही नहीं है उसको हराना। इलेक्ट्रिक टाइप के लिए वैसे कोई है नहीं इतना अच्छा पोकेमॉन हमारे पास, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक टाइप के लिए कौन सा इफेक्टिव होता है ज़्यादातर? इफेक्टिव ग्राउंड, हाँ ग्राउंड हमारे पास नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन ग्राउंड टाइप मूव ज़रूर है, अर्थ कोई और ये सब है, लेकिन हरा दिया हमारे। अरे एक स्लो पोक, यार ये बहुत सारे आ रहे हैं, स्लो पोक भी आ गया एक, ये कुछ चल रहा है, ये शायद कोई हिप्नोटाइज, मुझे लग रहा है कि ये म्यूटियो हिप्नोटाइज कर लिया इन सबको और ये हमें हमला करवा रहा है कि हमारे पास ना आ पाए वो, इस कारण। भाई तू 40 लेवल के पोकेमॉन भेज रहे हैं हमारे साथ, हमारे लिए, हम कितने तगड़े आदमी हैं, हम हरा देंगे आराम से। 200 नहीं, इतना फेंकना नहीं है। इस वाली गेम में भी देखूँ क्या पूरे में, यार मैं जाना नहीं चाहता हूँ यार, एक तो रिपेल नहीं है, बहुत ज़्यादा पोकेमॉन आएंगे और मुझे लग रहा है नहीं है कि इस गेम में होगा इस तरफ, फिर भी देखना पड़ेगा यार, ढूंढना है म्यूट्यू को। अरे ये इसकी शेप अच्छी लगी यार मुझे, थोड़ा रियलिस्टिक सा लग रहा था ये मैग्नेटॉन, मुझे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, नॉर्मल ग्राफिक्स वाला नहीं था। चलो छोड़ो, एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार मैं कहीं एक बार रिसर्च करके आता हूँ कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी गेम में जाना है कहाँ जाना है, और एक बार देख के आते हैं क्या है माजरा, कहाँ जाना है हुँ? और एक तरफ थोड़ा बहुत इधर उधर भी घूम लेते हैं इस वाली गेम में, यार नहीं है यार इस गेम में, देख लेते हैं फिर भी एक बार। वैसे मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सॉरी यार मिल नहीं रहा मुझे, सचमुच कुछ नहीं मिल रहा, मैं ऐसे ही ड्रामा नहीं कर रहा, सचमुच नहीं मिल रहा। ये पोकेमॉन ले ली थी मैंने, ये वापस आ गई, लिंक स्टोन वापस आ गया,
अरे यार लिंक स्टोन तो मैंने पहले भी लिया था, ये क्या हर बार रिस्पॉन होते रहते हैं लिंक स्टोन? ये क्या था भाई, जादू? इट्स मैजिक। हीट ट्रेन से पंगे नहीं लेने। कड़ाबरा, कड़ाबरा तो टेलीपोर्ट है, कांट एस्केप। ये टेलीपोर्ट नहीं किया, मुझे तो याद थे टेलीपोर्ट कर जाता था जब भी कोई आदमी आता था, पता नहीं क्या है। साइकिक कर रहा है, नो नॉट इफेक्टिव। आइस बीम और ये गया, फ्रोज हो गया। एक एच पी पे ये क्यों बचा यार तू, चल तुझे डी फ्रोज कर देते हैं। चलो हरा दिया। हो गया लेवल अप। ओ भाई 52 आइस पंच। आइस पंच की क्या है फिर, 7500 की डैमेज है, 3090। आइस बॉल को हटा दूं क्या मैं, क्योंकि आइस बॉल इतना कुछ वो नहीं है ख़तरनाक, आइस पंच रखेंगे। चलो आइस बीम यार अच्छा है यार, वो फ्रीज कर देता है, वही सबसे अच्छी एबिलिटी है उसकी, फ्रीज कर देता है, इस कारण ही तो बच पाते हैं, नहीं तो हम तो कब के हार गए होते इस, मतलब बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे ही जीता हूँ फ्रीज करके करके, नहीं तो कब का हार गया होता मैं। और यार गाइस यार मुझे मिल नहीं रहा, अगले एपिसोड मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय बाय गाइस, अगले एपिसोड मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।